सर आप असेंबली में बड़ी शेर व शायरी करते हैं, खट्टर साहब को तो इतनी शेर व शायरी आपने डेडिकेट करी है, आपको याद रहती है या कहाँ से सीख के जाते हो, या आपके ऑफिस से कोई बंदा आपके लिए पर्टिकुलर शेर व शायरी निकाल के नहीं, देता ये तो मौके की बात है? है। और वो शब्द भी ऐसे होते हैं बेवफाई और मैं पता लिख के भी ले जाता हूँ, कुछ याद भी रहते हैं, कुछ मौके पे भी आ नहीं जाते हैं, तो हम मौके की बातें। कोई कोई एक शेर या शायरी आप डेडिकेट करना चाहोगे नहीं खट्टर ऐसे नहीं, साहब? तो मौके में आती बात है। अच्छा, वो फ्लो फ्लो की बात है। हाँ आप बचपन में, जब एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा, जब आप स्कूल में थे, सैनिक स्कूल वगैरह में, तो आप चॉकलेट्स के बड़े शौकीन थे हाँ और चॉकलेट बहुत खाते थे, और आपके फादर ने कहा था कि भी इनको जितनी चॉकलेट खानी है इनको खाने देना। तो स्कूल का आपको कोई चाइल्डहुड का कोई किस्सा याद हो, या नहीं, वो तो आपका स्कूल कैसा था, हमारा आप मिस करते हैं स्कूल को? स्कूल, हाँ मैं जाता रहा, उसके बाद भी गया मैं, जब मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो उसके बाद अपने स्कूल में मैं राष्ट्रपति जी को भी ले गया, अच्छा, पाटिल साहब, पाटिल थी ना, मिसेस पाटिल, हाँ, प्रतिभा पाटिल वाली। प्रतिभा पाटिल जी को ले गया वहाँ स्कूल में। और वो तो जो चॉकलेट की बात कर रहे हो आप, ये कूपन मिलते थे हमारे को। हाँ अच्छा, कूपन। तो कूपन तो मेरे एग्जॉस्ट हो जाते थे, फिर हाँ वो क्वार्टर मास्टर जनरल थे मिस्टर चिकारा, तो उनको कहते थे भाई मैं तू दे दिया मैं करा करूँ तू अपनी, तो वो कह कह देते थे कई बार मेरे फादर को, बोला जितनी मेरी तनख्वाह उतनी तो चॉकलेट खा गया ये। तो ऐसे ही होते हैं, अच्छा कोई सारी कहने वाली बातें होती हैं, हाँ लेकिन ये था, हाँ शौक था मेरे को अच्छा, खाने।